खबर का रुख करते हैं। निलंबित आईएएस ननुमल पहाड़िया, आरएएस अशोक सांखला को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की है। अलवर में हाईवे निर्माण कंपनी से रिश्वत लेने से जुड़ा ये पूरा मामला है। जस्टिस नरेंद्र सिंह डड्ढा की अदालत ने की दोनों की जमानत याचिका खारिज। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विभूति भूषण शर्मा ने रखा पक्ष। अनुसंधान लंबित होने के चलते याचिका खारिज की गई है। 30 अप्रैल को एंटी करप्शन ब्यूरो कोर्ट अलवर से भी खारिज हो चुकी थी जमानत। 23 अप्रैल को 5 लाख रुपए लेते किया था एंटी करप्शन ब्यूरो ने ट्रैप। निलंबित आईएएस ननुमल पहाड़िया और आरएएस अशोक कुमार साखला को ट्रैप किया गया था। अपने आप में बेहद गंभीर ये पूरा मामला रहा। जिस तरीके से एक आईएएस अधिकारी और आरएएस अधिकारी मोटी घूस लेते रंगे हाथों पकड़े गए थे, तो ऐसे में बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया था और उसी को देखते हुए लगातार ये पूरा मामला चर्चा में भी बना रहा। पर ऐसे में बड़ा अपडेट इस पूरे मसले को लेकर यह मिल रहा है कि निलंबित आईएएस ननुमल पहाड़िया, आरएएस अशोक सांखला को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अलवर में हाईवे निर्माण कंपनी से रिश्वत लेने से जुड़ा ये पूरा मामला है। जस्टिस नरेंद्र सिंह डड्ढा की अदालत ने दोनों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विभूति भूषण शर्मा ने पक्ष रखा। अनुसंधान लंबित होने के चलते जमानत याचिका खारिज की गई है। 30 अप्रैल को एंटी करप्शन ब्यूरो कोर्ट अलवर से भी खारिज हो चुकी थी जमानत और अब ऐसे में हाईकोर्ट से भी झटका लगा है। 23 अप्रैल को 5 लाख रुपए लेते किया था एंटी करप्शन ब्यूरो ने ट्रैप। निलंबित आईएएस ननुमल पहाड़िया और आरएएस अशोक कुमार सांखला को ट्रैप किया गया है। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कमलकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलकांत, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे हाईकोर्ट के फैसले को लेकर। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि निलंबित आईएएस ननुमल पहाड़िया और निलंबित आरएएस अशोक कुमार सांखला को आज हाईकोर्ट से बहुत बड़ा झटका मिला है। दोनों आरोपियों की हाईकोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। ये मामला है अलवर में हाईवे निर्माण कंपनी से जो रिश्वत लेने से जुड़ा ये पूरा मामला है। जस्टिस नरेंद्र सिंह डड्ढा की अदालत ने इनकी जमानत याचिका को खारिज किया है और ये कहते हुए खारिज किया है कि अभी इस मामले में अनुसंधान लंबित है, इसलिए दोनों की जमानत खारिज की जाती है। और 23 अप्रैल को 5 लाख रुपए लेते हुए इन दोनों को एसीबी ने ट्रैप किया था और अलवर एसीबी कोर्ट ने भी 30 अप्रैल को इन दोनों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। कमलकांत, अब आईएएस और आरएएस के पास कौन सा रास्ता बचा है? फिलहाल तो यही रास्ता है कि जब तक अनुसंधान एसीबी पूरा नहीं कर लेती है तब तक ये दोबारा अपनी जमानत याचिका हाईकोर्ट में नहीं लगा सकते। चलिए कमलकांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए पूरी बातचीत के लिए।